वाड़ी स्थित शुभम मंगल कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी द्वारा कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर वृहद अभिवादन सभा का आयोजन किया गया था। कांशीराम के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव भाऊसाहेब गोंडा ने उनके व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है। कहा कि बसपा संस्थापक कांशीराम ने आजीवन दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कार्य किया। उनका समूचा व्यक्तिमत्व प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि हम सभी को उनके सपनों को पूरा करने के लिए सतत संघर्षशील रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपेक्षितों को हक की लड़ाई कांशीराम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान उपस्थित सभी बसपा जनों ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और दलित उद्धार के लिए शुरू किए गए उनके आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उनके सपने साकार करने का संकल्प भी दोहराया। कार्यक्रम के आयोजक शशिकांत मेश्राम ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मुख्य उद्देश्य ही आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी भारतीय राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस मौके पर बसपा प्रभारी नागोराव जयकर, जिलाध्यक्ष संदीप मेश्राम, हिंगना विधानसभा अध्यक्ष शशिकांत मेश्राम, जिला सचिव रोशन शिंदे और अन्य बसपा कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर आदियों ने कांशीराम और उनके परिनिर्वाण दिन के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर अभिवादन किया है। बहुजन समाज पार्टी हिंगना विधानसभा तर्फे आज मान्यवर कांशीराम साहेबांच्या पुण्यतिथि निमित्त त्यांना अभिवादन करण्यासाठी वाडी इथे शुभम हॉल मध्ये कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे। नागपूर जिल्ह्यांच्या वतीने हा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता आणि सर्व नागपूर जिल्ह्याचे पदाधिकारी आमच्या हिंगना विधानसभेमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। अभिवादन सभा का आयोजन हिंगना विधानसभा अंतर्गत वाड़ी परिसर में किया गया हुआ है। ये प्रोग्राम जो नागपुर में हो रहा है, ऐसा प्रोग्राम महाराष्ट्र के सभी जिले में हो रहा है। केवल महाराष्ट्र ही नहीं तो भारत के प्रत्येक जिले में माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए अभिवादन सभा हो रही है। संस्थापक बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब को अभिवादन सभा करने के लिए नागपुर जिला के तरफ से आज हिंगना विधानसभा में जो अभिवादन सभा है, इस सभा में बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। उन सभी कार्यकर्ता मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। NBC न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।